अस्सलामु अलैकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच फॉर 10K यूट्यूब फैमिली। मतलब यार हमारी 10,000 यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो गई है। और काफ़ी लोगों को पता होगा जो लोग मेरे से शुरू से अटैच हैं कि मैंने 5K कितनी ज़्यादा मुश्किल से किए थे, लेकिन 5K से 10K मेरे कब हुए यकीन करो मुझे पता ही नहीं चला। इन दिनों आप लोगों ने इतनी सपोर्ट दिखाई है ना कि मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। इसी तरह लव एंड सपोर्ट दिखाते रहना, आते हैं हमारे गेम प्ले के ऊपर। आज के गेम प्ले में ना मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेशल क्लिप्स डाले हैं। वो क्लिप्स देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि यार एक कंटेंट क्रिएटर की कितनी एफर्ट लगती है कंटेंट बनाने में। मतलब यार क्लिप्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पहले के पड़े हुए थे, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा जोड़ के इनको रखा हुआ था एक स्पेशल वीडियो के लिए। तो आज की वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। आते हैं हमारे गेम प्ले के ऊपर। तो यार ये आखिरी बंदा होता है इस टीम का, इसको यहाँ पर मैं मार देता हूँ। अब सामने वाली बिल्डिंग में दो बंदे होते हैं, तो चलो यार इनको भी निपटाते हैं जल्दी से। अब दो ही बंदे देख के मैं तो सुपरमैन की तरह जंपे मारता इस बिल्डिंग में आ तो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा गलत सीन होने वाला है। ओके तो यार यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करता हूँ एंड इस बंदे को जंप करने से पहले नॉक करा देता हूँ। दूसरे बंदे को मैंने इतना डैमेज दे दिया था कि वो बंदा तो रश नहीं करेगा, तो यहाँ पे मुझे हील करने का टाइम मिल जाता है। अब जैसे ही मैं हील करता हूँ तो चलो यार निपटाते हैं इस बंदे को भी। आइए गाइस अब आते हैं हमारे मेन गेम प्ले के ऊपर। तो यहाँ पे सीन ऐसे होता है कि मैं वालिन को राइट से बग्गी देता हूँ एंड हमें नहीं पता होता कि स्कूल में पूरे का पूरा स्क्वाड है एंड ये वाला स्क्वाड इस लॉबी का सबसे अच्छा स्क्वाड होता है एंड इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बंदे भी मारे हुए होते हैं। जैसे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ ये बंदे भाई साहब मुझे गाड़ी में हाफ एचपी कर देते हैं। ये वाली जगह लोकेशन अच्छी नहीं होती, मेरा दिल होता है अपार्टमेंट्स में जाके फाइट लूँ। इतने में वालिन की भी लोकेशन उनको पता चल जाती है। वालिन बग्गी लेके जैसे ही भागने लगता है ना ये बंदे उसको भी बग्गी से उतार देते हैं एंड ये वाले बंदे वालिन को फिनिश नहीं कराते। अब ये बंदे मेरे पे पुश कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें सोचता हूँ कि यार एक तो इन पे स्क्वाड वाइप करना है, दूसरा वालिन को भी बचाना है। अब ये चार बंदे एक साथ पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इस पे प्रीकुक नेट फेंकता हूँ। ओके तो यार एक बंदा हो गया था नॉक, साथ ही मैं इन बंदों पे रश करा देता हूँ। भाई साहब ये बंदे सिर्फ गाड़ी में ही नहीं अच्छा मार रहे थे, इन बंदों का क्लोज भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही किट मारता हूँ तीन बंदे इनके मैंने नॉक कर दिए होते हैं, तो मैं आखिरी बंदे पे रश करा देता हूँ एंड ये वाला सीन जरा ध्यान से देखना। भाई साहब ये क्या था, मतलब यार चलो थोड़ा सा डैमेज पड़ भी जाता मसला नहीं था, मैं कवर में कैसे मार गया। सीन चेक करो, स्लोमो में चेक करो, यहाँ पे मैं रुक गया हूँ, चलो जो डैमेज पड़ना था पड़ गया। अब ये क्या है भाई, मतलब यार कहाँ से इस बंदे ने मुझे मारा है। अब ये वाला सीन है ना यार यकीन करो हमारे इतने क्लचेस मिस करवाते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अब सीन चेक करो, इधर ये वाला सीन दोबारा से होने वाला है मेरे साथ, ये बंदे मेरे पे मोलोटोव कराते हैं एंड ये वाली लोकेशन पर मैं क्लच नहीं कर सकता, ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मुझे हील वगैरह करना होता है तो मैं 3 स्टोरी में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसे ही हील अप करता हूँ ये बंदे मेरे पे एक साथ पुश करने वाले हैं, तो सीन चेक करो। अब यहाँ पे भी मेरे साथ सेम सीन होने वाला है, ना तो यार मैं कवर के करीब हूँ कि मैं मतलब 90 FPS की वजह से मर गया हूँ, ना तो कोई ऐसा सीन है। तो अरबी लॉबी में ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्रूजर ये क्या, 10K फैमिली कंप्लीट हुई, हमने समझा पता नहीं कौन से क्लचेज अपलोड करने वाले हो, ये का कर दिया है। तो ये वाले क्लिप्स मैंने काफ़ी टाइम से सेव रखे हुए थे, मैंने इसी वीडियो के लिए सेव रखे हुए थे ताकि आप लोगों को पता चले यार कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है। कभी कभार तो यार यकीन करो दो तीन दिन तक कंटेंट नहीं बनता, लेकिन यार कोशिश कर रहे हैं एंड जब आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी यार मेरे से दो क्वेश्चन जो उनसे ना काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक ये कि यार भाई अपना हैंडकैम अपलोड कर दो एंड दूसरा ये कि यार अपना फेस रिवील कर दो। हैंडकैम वीडियो मैंने 10K पे प्रॉमिस किया था एंड इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो मेरी वीडियो आएगी ना वो मेरी हैंडकैम वीडियो होगी एंड एक्टिव रहना उस वीडियो के लिए। तो उसके बाद यार फेस रिवील, तो फेस रिवील है ना वो बेसिकली मैं टिकटॉक पे करूँगा, मतलब टिकटॉक पे मेरे अभी 20K हुए हैं। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि टिकटॉक पे 50K पे फेस रिवील करें या 100K पे, तो जिस तरह आप लोग बोलोगे वैसे ही करेंगे। तो आते हैं हमारे आज के गेम प्ले की लास्ट क्लिप के ऊपर। सामने मेरे 4 बंदे हैं एंड आपका भाई फुल मस्ती में ना मतलब 10K की मस्ती में पैन लेके पुश कर रहे हैं।
भाई साहब ये बंदा तो गुस्से ही कर गया था जब मैंने इसको पैन कराया। अब मैं जल्दी से किट मारता हूँ एंड दो बंदे एक साथ मेरे पे पुश करा देते हैं। ओके तो यार तीन बंदे कर दिए इनके नॉक, एक ही बंदा बचा तो जल्दी से मैं किट लगाता हूँ एंड उस वाले बंदे पे मैं रश करा देता हूँ। तो यार अभी भी ऑल डेड नहीं हुए, मतलब इसने एक बंदे को रिवाइव कर दिया है एंड ये वाले बंदे को इतना टाइम नहीं मिला कि ये किट वगैरह लगाए, तो इसको भी यहाँ पे मैं निपटा देता हूँ। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपके साथ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।